दोस्तों, यूरो डॉलर एंड यूरो आईएनआर वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of December 2023। ये प्रेजेंटेशन जो है हमने पिछले हफ्ते से चालू किया, जहाँ पे करेंसी स्पेसिफिक एनालिसिस हम करेंगे। तो यूरो डॉलर पे वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.0758। उससे पहले वाले हफ्ते में एक नेगेटिव कैंडल बट स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, इसके लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यूशन, हाई के ऊपर बाइंग कंटिन्यूशन का एक्सपेक्टेशन था। एंड इस हफ्ते में जैसे ही प्रीवियस वीक के लो के नीचे कंटिन्यूशन देखा गया, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बायस देखा गया। यहाँ पे जो आपका 17 जुलाई से 2nd अक्टूबर का जो डाउन मूव है, उसका एट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस देखा गया। इसका रिलेवेंस काफी स्ट्रांग है, यानी यहाँ पे इस लेवल पे काफी स्ट्रांग सेलर्स प्रेजेंस होना चाहिए। ऑल्सो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन एंड आरएसआई के हिसाब से 60 में आके रेजिस्टेंस लेके नीचे। So, ट्रिपल पर्सपेक्टिव पे ये जोन अभी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एरिया बन चुका है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें कैसे प्राइस एक्शन को अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए एक नजर पहले हम मंथली पे चलते हैं। मंथली यूरो जो प्राइस एक्शन है, ये आप देखोगे ऊपर की तरफ 1.1277 ऑन द हायर साइड एंड नीचे की तरफ 1.0450 the lower side, इस बीच में जुलाई एंड अक्टूबर, इस दोनों जुलाई का हाई एंड अक्टूबर का लो के बीच में मंथली प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव इस रेंज बाउंड हो चुका है। आपका अगस्त महीना एक नेगेटिव कैंडल था, सितंबर इज आल्सो ए नेगेटिव मंथली कैंडल, अक्टूबर में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, नवंबर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंड अभी का जो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन। ये हो गया क्या क्या एक्टिविटीज हुआ इन लास्ट फ्यू मंथ्स। आरएसआई को अगर हम देखेंगे, ये साइडवाइज मार रहा है करेंटली 48.30 एंड ये 40-60 के बीच में। दैट बीइंग द केस, आरएसआई अगर एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन का दोनों तरफ बायसेस हो सकते, यानी प्राइस ऊपर भी जा सकते हैं या नीचे भी जा सकते हैं। जो हम अगर प्राइस का रेंज हमने जो डिस्कस किया है, उसके डिस्कशन से भी प्रतीत होता है कि ये एक रेंज के अंदर में, जो रेंज बहुत ही बड़ा रेंज है 1.1270 का, एक बड़ा रेंज के अंदर में साइडवेज मूव कर रहा है। सो मंथली में एक ट्रेंड मिसिंग, वीकली में एक सेलिंग स्प्री हमने देखा है, एंड अभी हम आएंगे डेली पे। डेली यूरो डॉलर का जो प्राइस एक्शन है, इस लेवल पे 20 नवंबर एंड 21 नवंबर में रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर नहीं पाया एंड 30th नवंबर ऑनवर्ड्स नीचे की तरफ आ चुका है। नीचे की तरफ आने के बाद 1.0750 लेवल पे इस सपोर्ट लिए हमारा एक्चुअल प्राइस एक्शन के हिसाब से जो कंपैरेटिवली मॉडरेट सपोर्ट एरिया जो हो सकता है वो है आपका 1.0650 से 1.0680। अभी यहाँ पे प्राइस जो बन रहा है एक शार्प 6 कैंडल का, एक नेगेटिव बायस था, 6 back-to-back रेड कैंडल, फिर 7th one is a green candle, 8th one is again a red candle. अभी फ्राइडे का कैंडल का इंपॉर्टेंस एज फार एज द डेली एनालिसिस इज कंसर्न, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। आई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी टूवर्ड्स 1.0850, एंड फ्राइडे का लो के नीचे सेलिंग कॉन्टिन्यूशन हमें हो सकते हैं टूवर्ड्स 1.0650। ये हो गया फ्राइडे का कैंडल के परस्पेक्टिव में। सो यहाँ पे अगर हम ऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, मंथली साइडवेज बोथ साइड मूवमेंट पे, एक वीकली पे एक सेलिंग स्प्री हो चुका है एंड सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। डेली पे
फ्राइडे का जो कैंडल है इट्स हाई एंड लो बिकम वेरी इंपोर्टेंट। हाई के ऊपर एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी टुवर्ड्स 1.0650। लो के नीचे हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ये हो गया यूरो डॉलर। मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या देख रहे हैं, अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर जो वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 89.79। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे और फिब रिट्रेसमेंट डालेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट में क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस इज नॉट एट 61.8% रेदर इट इज एट 78.6%। प्राइस मूव करने के बाद नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है रिट्रेसमेंट। आरएसआई भी एग्जैक्टली 60 में रेजिस्टेंस नहीं लिया, रेदर 63-64 लेवल पे रेजिस्टेंस लेके फिर बिलो 60 में आ चुका है। ये है आपका यूरो डॉलर वीकली परस्पेक्टिव। अभी एक नजर देते हैं मंथली पे। मंथली जो आपका अगस्त एंड सितंबर में नेगेटिव बायसस था, अक्टूबर महीने में एक न्यूट्रल कैंडल बनाया जो एक छोटा डोजी टाइप फॉलोड बाय नवंबर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। इसका जो लोकेशन इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट क्योंकि इमीडिएटली आपका 92.30 से 92.50 is expected to act as a major resistance. अगर monthly follow through देना है ऊपर की तरफ तो इस resistance zone के ऊपर strong candle देना चाहिए। क्या monthly perspective में आने वाले महीनों में December, January, February, March ये तीन चार महीनों में क्या monthly strong candle देगा इस high के ऊपर, ये हमें देखना है। अगर दे देते हैं तो क्या होगा, एक अपवर्ड मोमेंटम या अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो जुलाई का हाई एंड अक्टूबर का लो है इट इज अ रेंज, इस रेंज के अंदर में थोड़ा प्ले आउट करना चाहिए। आरएसआई देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 60 के आसपास घूम रहा है, कभी 60 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, कभी 60 में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। यानी यहाँ पे एक 60 के आसपास जाके प्राइस खुद को डिस्कवर करने का प्रयास कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट टू द आरएसआई पर्सपेक्टिव कि मैं ऊपर जाऊं या रेजिस्टेंस लेके नीचे आऊं। क्लैरिटी है नहीं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे आप सिमिलरली 28 एंड 21 नवंबर को इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड 30 नवंबर के एक शार्प सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमने देखा। तो जहां पे आपका एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ जिसका टारगेट है आपका 89.10 का। अभी आप देखोगे बैक टू बैक 6 नेगेटिव कैंडल फॉर्म होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने एंड फ्राइडे के दिन एक रेड कैंडल विथ price rejections at the lower end. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि Friday का high के ऊपर एक upward bias रह सकता है, जहाँ जो आपको 90.40 से 90.60 के आसपास लेके जा सकते हैं, जहाँ पे अगर हमें negative indication मिलेगा तो उस level से हमें selling opportunity ढूंढ सकते हैं। ये हो गया अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर मंडे ऑनवर्ड्स सस्टेन करते हैं। अगर उल्टा हुआ तो यानी ऊपर में क्लोज ना देते हुए रदर नीचे की तरफ क्लोज देता है तो यानी फ्राइडे का जो लो है 89.57 इसके लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो हमारा जो एम पैटर्न का टारगेट है वो आपका 88.95 से 89.00 उस तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटी से। यहाँ पे जो पहले एक रेजिस्टेंस जोन था ब्रेकआउट करके ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया कब, आपका 5th दिसंबर को। उसके बाद क्या प्राइस यहाँ पे दोबारा टेस्ट करके रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ये हमें इंतजार करना है। क्या प्राइस हमें इंडिकेशन देते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हम विजुअलाइज कर सकते हैं लेकिन क्या प्राइस उस हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा वो ओनली द टाइम विल टेल। मार्केट इज अल्टीमेटली द सुप्रीम, हम सिर्फ उसका चाल को
पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। क्या प्राइस उस चाल में चलेगा या नहीं चलेगा वो हमें पता नहीं है, हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। सो क्या आने वाले दिनों में इस जोन पे, कौन सा जोन, 9030 से 9050 में रेजिस्टेंस ऊपर जाता है, पहला बात वो है। अगर जाता है तो इस जोन पे रेजिस्टेंस लेके क्या नीचे आता है, दैट इज अनदर पर्सपेक्टिव दैट वी नीड टू लुक फॉर। ये हो गया डेली पर्सपेक्टिव। सो इन ए नटशेल, मंथली पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, आरएसआई 60 में सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, ये प्राइस कितने महीनों से प्रयास कर रहा है ढूंढने के लिए। कितने महीने से बोले तो आपका जनवरी ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा टाइम, पूरा साल ऑलमोस्ट निकल, मींस ऑलमोस्ट नहीं, अभी तो दिसंबर, मींस जस्ट कुछ ही दिन बाकी है। सो पूरा 12 महीने का टाइम पास कर लिया आरएसआई ये डिसाइड करने के लिए कि मैं 460 में रेजिस्टेंस लू या सपोर्ट। तो क्लैरिटी तभी आएगा आरएसआई अगर आइदर स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ क्लोज देता है अबव 60 या स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ क्लोज देता है बिलो 60। ये हो गया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। मिड टर्म पर्सपेक्टिव में क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव बायसेस है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना है। अगर वीकली का प्राइस एक्शन के साथ हम डेली का प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे तो आप अगर मेरे को पूछोगे तो मेरे को एक ग्रीन कैंडल का इंतजार रहेगा, समथिंग लाइक दिस, एक ग्रीन कैंडल का इंतजार रहेगा। इस ग्रीन कैंडल का, ऐसा फुल बॉडी ग्रीन हो, छोटा बॉडी ग्रीन हो, कुछ भी हो, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, डोजी कैंडल ही क्यों ना हो। उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे मैं सेलिंग करना पसंद करूंगा। क्या ऐसा होता है वो नेक्स्ट वीक में हमें देखना है। सो करेंसी यूरो डॉलर एंड यूरो आईएनआर वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। इन सच केस लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीक।